सर आपका नाम? जी मेरा नाम सबजार अहमद है और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन पुनुष हूँ। और हमारा यही काम रहता है कि हम बच्चों को सेंट्रलाइज करते हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं कि उनके फ्यूचर के रिलेटेड कि वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें। जैसे यहाँ पे हमें बहुत सारी शिकायतें मिलती है कि बच्चे यहाँ पे मांगने के लिए आते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो इस ज़मन में आज हमने ये आज का आउटरीच रखा है और हम यहाँ पे जो है लोगों से बात भी कर रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चे उनको मिलते हैं तो वो किस तरीके से हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। हमारे एक टोल फ्री नंबर है 1098 और हम इन बच्चों की जो है काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके उनको समझाते हैं कि अगर वो एजुकेशन की तरफ जाएंगे उनकी क्या इंटरेस्ट है। बच्चे का हमेशा यही शौक रहता है कि वो स्कूल जाए, मगर कुछ वजूहत की वजह से वो दो चार रहता है, यानी कि उसको मौका। लेकिन बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं कहीं मांगने के लिए पुंछ शहर में, ये काफ़ी बच्चे देखने को आ रहे हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं और मांग रहे हैं, जी हाँ, भीख मांग रहे हैं। जी जी, जैसे यहाँ पे अगर हम ज़्यादा रेशो देखेंगे तो यहाँ पे जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे राजस्थान से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने आउटसाइड सिटी रखा हुआ है और यही बच्चे ज़्यादा बस स्टैंड पार्क वगैरह पे भीख मांगते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम उनको आइडेंटिफाई करके उनके पेरेंट्स जो भी उनके साथ हैं या जिनके साथ हैं वो उनकी काउंसलिंग करेंगे और इन बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम लाइन पे लाएं ताकि ये एजुकेशन में जाए। खासकर ज़िला इंतजामिया की तरफ से आपकी कोई मदद की जा रही है? हाँ, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात करते हैं उनके ज़िम्मन में भी हम ये बात लाएंगे और जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन हमारे साथ रहा है, इस ज़िम्मन में भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और ताकि हम इन बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ये जो भीख मांगने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है बच्चों से, ये हम ख़त्म करें और इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको सुधारें।